The Liberhan Commission of Inquiry that probed the 1992 demolition of the Babri Masjid found 68 people culpable for leading the country into the worst ever communal discord since partition. Among them is this godman, Sakshi Maharaj. मैं इस बात के लिए गवाही दे रहा हूँ और ये मीडिया के कैमरे में भी बंद होगा। In conversation with Cobra Post reporter K. Ashish, Swami Sachidanand Sakshi, also known as Sakshi Ji Maharaj, gives his own introduction. सबसे पहली जो भूख बता रहे थी वो आरएसएस के लोगों की, पूरे आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ। इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल दो, जीरो आंदोलन। इस आंदोलन के चार हीरो हैं केवल, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडवाणी की। Post the 1992 Ayodhya riots, Sakshi Maharaj was expelled from the Rajya Sabha for involvement in an MP Lad scam. A television channel showed Sakshi Maharaj demanding money from contractors for giving them work under the MP Lad scheme. Sakshi Maharaj admits to the Cobra Post reporter that the Ayodhya movement would have not been fully realized without his contribution. He recounts that VHP leader Ashok Singhal was responsible for the casualties of 1990. Bear in mind that these are the proponents of Hindutva in India. ये सूचना आई कि सब लोग कह रहे हैं कि चलो घेर लो, तो मैंने कहा साला जो जो कह रहा पकड़ के लाओ। अब मैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाने वाला, मैं सबको पहचानता तो नहीं, माने नहीं कौन कौन माने नहीं है, शहर के लोगों को, पिछड़े लोगों को, मैं सबको जानता नहीं था। तो वो लोग थे बड़े बड़े अधिकारी संघ के, विश्व परिषद से, मैं जानता ही नहीं था। तो मेरे लोग पकड़ ले आते थे उनको, और तहखाना था उसके नीचे, उसे बंद करवा देता था मैं। तो मैंने ऐसे 10 लोगों को बंद करवा दिया। मैंने सोचा शायद हमारे आंदोलन को बिगाड़ने वाले को विरोधी आ गए हैं, असामाजिक तत्व हैं ये, हम जानते नहीं थे। बोले हम संघ के विषय कुछ नहीं, अंदर चलो। हमारे यहाँ कोई बोल ही नहीं पाता, हमारे पास फौज बहुत बड़ी फौज थी, हमारे पास मतलब सारा होल्ड हमारे हाथ में था। उसके तहखाने के अंदर बंद कर दिया लोगों को। मंच लगी हुई थी, साधु सब बैठे हुए थे, वामदेव जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे, हम मंच का संचालन कर रहे थे, और कोई नहीं आएगा। हमारा आदेश था तब तक अशोक सिंगल जी आ रहे हैं, माच में आके छीन लिया। अरे आप कौन होते हो, रात में कैसे कर दिया? तो मेरा आदेश है, जब आपने आदेश तो दिन दिया तो कोई नहीं जाएगा। तो फिर मैं फिर लड़ गया, आज तक मेरे से संतुष्ट है। मैंने कहा सिंगल साहब, वामदेव जी महाराज का आदेश लो, इस मंच के मालिक बामदेव जी महाराज हैं और मैं हूं। बामदेव जी महाराज आदेश नहीं देंगे, मैं माइक नहीं दूंगा। बामदेव जी महाराज आदेश देंगे, मैं माइक दूंगा। तो वो बामदेव जी पास थे, मैंने सोचा झूठी मुझसे कहीं आगे कह दे तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। तो मेरे सामने अशोक सिंगल जी ने कहा, महाराज कुछ लोग नहीं मरेंगे तब तक आंदोलन मुझसे नहीं चलेगा, तो आप आगे ले जाने को। तो अशोक सिंगल जी ने कहा, मौलवी जी ने कहा तो बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले महाराज जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। आवर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहां पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहां पर मस्जिद बनाएंगे। साक्षी महाराज रिवील्ड द मॉबिट प्लान डिवाइज्ड बाय अशोक सिंगल। The plan was to have some Hindus killed to give a fillip to the movement.
He says he was personally witness to the conversation between Ashok Singhal and the chief of Sadhu Samaj, Vamdev Maharaj. In his own words, Ashok Singhal ji ne kaha, Maharaj, kuch log nahi marenge, to andolan upar nahi uthega, to aap aagya do jane ki. Vamdev ji ne kaha, bacche mar jayenge, to bahut kaam kharab ho jayega. Bole, jab tak nahi marenge, tab tak kuch hoga nahi, andolan tabhi aage badhega. Thus spoke Ashok Singhal, according to Sakshi Maharaj, and unsuspecting zealous devotees were willingly sacrificed. Listen in to Sakshi Maharaj as he spills some more beans. तो इससे हो गया था भाई, अब तो हम लोग अयोध्या में रहे केवल। अशोक सिंगल ने ये कहा मिलिट्री से बात करेंगे, मिलिट्री उड़ा देगी सर उसको, वहां कोई मिलिट्री का सबसे बड़ा आदमी उनका रिश्तेदार था, उड़ा देगी था कि नहीं था उन्होंने कहा था बात हो गई। तो और उसी की गाड़ी से अशोक सिंगल वहां गए थे क्योंकि उसे जाने नहीं दिया जाता था, लोग चोरी चोरी जा रहे थे। तो ये कह के ये अंडरग्राउंड हो गए कि अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाना है, वो मिलिट्री तोड़ेगी। तो हम लोगों को ये कह दिया कि दिल्ली चले गए अशोक सिंगल जी, लेकिन अशोक सिंगल जी वहीं कहीं अंडरग्राउंड थे और उन्होंने एक आदेश दे दिया कि मस्जिद पर चढ़ाई कर दो। अब मस्जिद में चढ़ाई कर दो तो हमें पता है टूटेगी, जैसे लोग मरेंगे बनाने गुड़ जलवा देगा। Sakshi Maharaj tells the reporter that Ashok Singhal left the scene after giving instructions to set up Hindus as martyrs for the cause of the Ayodhya movement. If the sadhus had fled the scene, they too would have been killed. Sakshi Maharaj gives a parallel picture of the political landscape of 1992, the ill-fated year for Indian democracy. He tells the reporter how the resignation of the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Kalyan Singh, was orchestrated by the political powers of the time. अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक चीज और पता चली कि कल्याण सिंह जी जब अपना इस्तीफा देने जा रहे थे उस समय, मतलब बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा था, फिर उन्होंने उसकी चर्चा की कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि इस समय अध्यक्ष हम हैं और अटल जी कौन होते हैं, आप इस्तीफा अगर आपने अभी दे दिया, 12 बजे करीब की बात है, तो सेना आ जाएगी, केंद्र की सेना आ जाएगी। और ये बात जैसे आपने सुनी वैसे सच नहीं है जी, ये बात ऐसे सच है कि मैंने अभी कहा था ना, कल्याण सिंह ने कार सेवा शुरू होते इस्तीफा लिख दिया था जी। अटल जी से बात हुई नहीं हुई क्या हुआ ये कल्याण सिंह ही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता जी। लेकिन वो इस्तीफा देने जरूर जा रहे थे जी, क्योंकि वो हल्फनामा दे के आए थे, रक्षा नहीं कर पाए, तो कल्याण सिंह तत्काल इस्तीफा देने जा रहे थे। तो इसकी जानकारी आडवाणी जी को भी मंच पर हम लोगों को दे दी गई जी। तो मैंने कहा कि अब तो ये नहीं रुक रहा, कल्याण सिंह जी इस्तीफा देने जा रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह हॉटलाइन पर मेरे पास मेरे साथ थे जी। एक एक मुझे सूचना में कल्याण सिंह को दे रहा था, कल्याण सिंह मुझे दे रहा जी। यहाँ पर ये मैं कल्याण सिंह का प्रतिनिधि के रूप में वहां था जी, तो अगर मैं 5 मिनट बात नहीं करूंगा तो कल्याण सिंह परेशान हो जाते थे, कहां है कैसे, तो एक एक मिनट की बात में बोला इस्तीफा दिया। तो सेना आ जाएगी तो कल्याण सिंह जी मुरली मनोहर जोशी की नहीं मानने वाले जी, तो किसी नेता की नहीं मानने वाले थे, कल्याण सिंह जिद्दी भी बहुत थे जी। तो वहां सबने सलाह करके माने शेषाद्री जी से कहा कि आप अकेले रोक सकते हो जी। तो माने शेषाद्री जी ने कल्याण सिंह को फोन किया जी, तो कल्याण सिंह मैं शेषाद्री बोल रहा जी, जो होना था वो हो गया जी, जो नहीं होना था वो हो गया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जितना तुम्हें कष्ट होगा उससे ज्यादा मुझे कष्ट। बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि इस्तीफा तो देना ही है लेकिन थोड़ा इंतजार करो, अगर आज इस्तीफा दे दोगे अभी तत्काल दे दोगे तो यहाँ बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, बच्चे मारे जाएंगे, तो तुम नहीं चाहते मैं नहीं चाहता तो वो सब हो गया। तो यूं लग रहा था कि शेषाद्री जी ये कह रहे कल्याण सिंह से बहुत बड़ा गलत हो गया
पर अब गलती आप नहीं करेंगे, इस्तीफा जब मैं कहूंगा तब देने जाएंगे। तो फिर वो उस कल्याण सिंह इस्तीफा लेके बैठे रहे, और इस्तीफा जब वो सब टूट गया, रामलला को माँ जी उठा लाई, तो उनका बन बना के जब कुछ बन गया चबूतरा थोड़ा सा, रामलला को बैठा दिया गया, तब से शादी में बैठ गए। According to Sakshi Maharaj, RSS functionary H.V. Seshadri strategized the resignation of Kalyan Singh. Had he resigned any earlier, the symbolic installation of Lord Ram statuettes would have not become a reality. In his words, जब वो सब टूट गया, रामलला को उमा जी वहां से उठा लाई, तोड़ ताड़ कर बन बना के जब कुछ बन गया, चबूतरा थोड़ा सा रामलला को बिठा दिया, तब शेषाद्री ने कहा अब दे दो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनाव का? चुनाव भी ठीक होगा, होगा सब। When the reporter met Sakshi Maharaj again to reconfirm his account of the Ayodhya movement, हर कार बड़े कार, हर बड़ा कार बिल्ला मांगता है। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। The Cobra Post reporter pays another visit to Sakshi Maharaj for an account of the Ram Janmabhoomi movement of 1990. Sakshi Maharaj tells the reporter that the Marg Darshak Mandal had passed a resolution that the task of demolition be aborted. When some car sevaks declared their intention to start the ascent, Sakshi Maharaj says he invoked the resolution to abort the demolition exercise. At that point, Ashok Singhal mysteriously re-emerges on the march and announces that every noble task demands a sacrifice. In Sakshi's words, अचानक अशोक सिंघल जी कहां से प्रकट हो गए? माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। तो ये कहे अशोक सिंघल जी चले गए जी, नहीं रेजोल्यूशन पास हो गया, पास हो गया, हाँ। ये अपने बस का काम नहीं है, मतलब हम हाथों से उसे नहीं तोड़ सकते। ये कहते अशोक सिंघल जी चले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने ये घोषणा की कि चलो चढ़ाई कर लेते हैं, तो मंच मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा कि नहीं, आदरणीय अशोक सिंघल जी मना करके गए हैं और एक प्रस्ताव पास हो गया है, तो अब इसमें आप लोग कौन होते हैं? जैसे आपने कह दिया मेरा नाम कुमार आशीष है, मैं कह जान कुमार आशीष है, कोई आशोक कुमार तो लिया नहीं, तो वो लोग जिन्होंने कहा चलो हम तो जानते नहीं थे, हमने उनका विरोध किया और विरोध भी बुरी तरह से किया, जिससे उनकी बेइज्जती जैसी हुई। ये तो अशोक सिंघल जी का आदेश नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे इस काम को, और संतों को मना करके गए, और ब्रह्म संत स्वामी जी महाराज से मोहम्मद थे, सभा लगी हुई थी, एक बार अचानक अशोक सिंघल जी इन कांधे पर बैठ गए, माइक मेरे हाथ में था, तो उन्होंने माइक मुझसे लिया, छीना तो क्या, जब हमसे सीनियर थे, हम डीएचपी कोटा से सांसद रहे हैं, तो छीनने का कोई मतलब नहीं, तो मांगेंगे तो खुद दे देंगे, वो आ गए तो हम ही दे देंगे, बोलना चाहेंगे तो माइक लिया, माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। Sakshi Maharaj raises several pertinent questions on the firing that killed the car sevaks, and in particular, the killing of Mahendra Singh and the Kothari brothers in 1990. Were they deliberately targeted by the police at the behest of those who had vested interests? Sakshi Maharaj tells the reporter
मैं उस दिन अयोध्या में था, गोलियां मुझे क्यों नहीं लगी? हमारे लोगों ने ही गिन गिन कर अच्छे लोगों पर गोली चलाई। देखिए, दो आदमी उत्तर प्रदेश बहुत झूठे हैं, एक मुलायम सिंह, एक कल्याण। मुलायम सिंह ने मुसलमानों को बहकाया कि मैंने तुम्हारे लिए गोली चला दी रामपुर के ऊपर। मैं उस दिन भी अयोध्या में था, गोली मुझे क्यों नहीं लगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक भी गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई थी। हमारे लोगों ने ही गिन गिन के अच्छे लोगों पर गोली चलवाई थी, जो आंदोलन के प्रणेता थे, मैं नाम भी किया नहीं। और जब हमने उनका विरोध किया और कुछ लोगों को पीट पीट के हमने तहखाने में बंद किया, तो हमारे कपड़े खींचे गए, हमें पता ही नहीं था कि हमारे लोग करा रही है। तो लोगों ने कहा, साहब जब तो कुछ लोग मरेंगे नहीं तो आंदोलन ऊपर नहीं उठेगा, आप लोगों को डर लगता मन जाइए। तो वो जो लोग कलंक मुलायम सिंह के माथे पर है, और मुलायम सिंह कहता है कि मैंने मुसलमानों तुम्हारे लिए अपने लोगों को गोली भून दिया, मैंने एक भी गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। अगर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई होती तो मुलायम सिंह के जाने के बाद बीजेपी सरकार आई, गोली चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इससे बढ़िया प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। उनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी गई, क्यों? कि वो कहीं न कहीं रिलेशन में थे, चाहे विष्णु प्रसाद के, चाहे संघ के, चाहे किसी भी व्यक्ति के, कहीं न कहीं वो लोग रिलेशन में थे जिन्होंने गोली चलाई। और गोली चलाने में तो एरे गहरे नथु गहरे मरने चाहिए, वो साक्षी महाराज के सीने में गोली लगनी चाहिए, वो राजस्थान के अध्यक्ष हैं महेंद्र, उनके गोली सीने गोली लगनी चाहिए, वो बंगाल के कोठारी बंधु, उनके सीने में गोली लगनी चाहिए। किसने निश्चित किया? मुलायम सिंह क्या जाने कोठारी कौन है? मुलायम सिंह क्या जाने के वो महेंद्रनाथ कौन है? सरयू से लाशों को निकालने का काम इन हाथों ने किया, और जो वहां चार धाम मंदिर में लाशें रखी थी उसे मक्खी मारने का काम इन हाथों ने किया। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी।